स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के रशीद कंपाउंड के पास देवरी पाड़ा, जो मुंब्रा बाईपास से बिल्कुल सट कर जो इलाका है यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि आज सुबह ही जो है यहाँ पर ये जो नाला खुला हुआ है यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल एक कार जो है इस नाले में गिर गई, उस कार में चार लोग जो है सवार थे। बहरहाल चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, कार को भी बाहर निकाला गया है। जो बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसको मामूली रूप से चोट लगी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ये नाले का स्लेप क्यों गिरा था, क्योंकि लगभग एक हफ्ता पहले यहाँ पर जो है पत्थरों से भरा हुआ डंपर यहाँ से गुजर रहा था और उसी दौरान जो है ये स्लेप जो है धंस गया था और करीब तभी से ये इसी तरह से नाला खुला हुआ है। और आपको बता दें इस तरफ रशीद कंपाउंड का इलाका है और उसके दूसरी तरफ जो है श्रीलंका देवरीपाड़ा का इलाका है और इसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता है। और आपको बता दें कि ये स्लेप जब से गिरा इसी तरह से ये खुला हुआ है, जो हादसों को न्योता दे रहा था। दरअसल आपको बता दें ये इस इलाके में आप देखेंगे अगर तो इधर इस हाथ पर आपको बिस्मिल्ला टावर दिखाई देगा और दूसरे हाथ पर देखेंगे आप तो ब्लू बेल्स नाम की इमारत दिखाई देगी। टीएमसी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर है और इसी रास्ते पर जो सर्विस रोड है उसकी हालात क्या है, एक तरफ जो है इस तरह के स्लेब नालों के गिर गए वो खुला पड़ा है और दूसरी तरफ इस तरह से जो है कचरों का अंबार लगा हुआ है और इसी को कहा जाता है मुंब्रा मेरी जान। यानी कि एक तरफ कचरों का अंबार, एक तरफ जो है खुला हुआ नाला, कभी भी हादसा हो सकता है, इसमें जान जा सकती है। अगर कोई छोटा बच्चा इसमें गिर गया उसकी जान चली गई या कोई भी राहगीर गिर गया, कोई गाड़ी गिर गई जान जाती है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। करीब एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से इसी तरह से ये नाला खुला हुआ है, कोई भी बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं लगाई गई थी। आज सुबह जब यहाँ पर कार हादसा हुआ, चार लोग कार के साथ में यहाँ पर गिरे, उसके बाद जो है शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर काम शुरू किया गया है, जेसीबी मंगाई गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। अब रास्ता जो है यहाँ से ये बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये जो रास्ता पूरा है श्रीलंका देवरीपाड़ा रशीद कंपाउंड को जोड़ने वाला ये रास्ता है जो मुंब्रा बाईपास से नीचे से होकर जाता है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है हमारा कि अगर एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया उस समय इसका काम क्यों नहीं शुरू किया गया। दूसरी बार हादसा हुआ, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इसमें कई लोग अब तक जो है गिर चुके हैं और उन्हें चोटें भी आई हैं और आज कार भी एक गिर गई। उसके बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ के नगर सेवक हैं उनका जो काम काज संभालते हैं समाज सेवक रेहान पीतल वाला, वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। रेहान भाई क्या कहेंगे, दो हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है इसको, आज फिर हादसा हुआ, एक हादसे होने की वजह से ये नाला टूट गया था, क्यों नहीं आखिर बनाया गया? इसको असल में ये एक ही रोड है और इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जेसीबी और पूरा तोड़ने वाला मशीन आ चुका है। इसको ये कलवट था पुराना, तकरीबन 15 से 20 साल पुराना, तो इसको पूरा तोड़ के ये पूरा नया बनाया जाएगा। यानी अभी इसके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है और जो कि एक बार वो टूट चुका है तो उसकी वजह से अब ये पूरा हो भी नहीं पाएगा। तो अब इसको ये पूरे कलवट को जो बिस्मिल्ला टावर परिसर है उससे लेके ये बाईपास तक के ये पूरा कलवट आज से तोड़ के इसको पूरा इंशाल्लाह नया बनाया जाएगा। और इसके अंदर ये है कि इसके अंदर रिपेयरिंग नहीं हो सकती, हमने बहुत कोशिश की है, ये चूंकि पुराना था, ये तकरीबन 15-20 साल पुराना कलवट था, रिपेयर करने की हमने इसको बहुत कोशिश करी, लेकिन शायद इसके अंदर जो है वो इलास्टिसिटी और वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको अब पूरा तोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्ला टावर के गेट से लेकिन पूरा कलवट तकरीबन यहाँ से ये 20 से 25 फीट होगा और ये बाईपास सर्विस रोड के जंक्शन तक के ये पूरा तोड़ के पूरा नया बनाना पड़ेगा। रेहान भाई एक हफ्ते हो गए लगभग इसको हुए, उसी वक्त काम शुरू कर देना चाहिए था। आज जब फिर एक हादसा हो गया, चार लोग उसमें कार के साथ में गिर गए, उसके बाद से यहाँ जेसीबी मंगाई गई है, ऐसा जानकारी आ रही कि काम इसका अब शुरू किया गया। अगर किसी की जान चली जाती तो आखिर कौन जिम्मेदार होता? इसके अंदर क्या था, बैरिकेडिंग करी हुई थी, अब न जाने अल्लाह बेहतर जानता है कार उसके अंदर कैसी चली। लोग तो बता रहे बैरिकेडिंग भी आज लगाया गया, बैरिकेडिंग भाई जब कार चली जाएगी तो बैरिकेडिंग कैसा रहेगी ना। वीडियो आई है सोशल मीडिया पे, वो चारों एंगल सोशल मीडिया में जो वीडियो है उसमें कहीं भी नहीं। अगर इसको लेके कोई गाड़ी चली जाएगी अंदर तब को नहीं रहेगा, मेरे पास कल का फोटो है, परसों का फोटो है बैरिकेडिंग के साथ का, मैं आपको बता सकता हूँ। खैर वो अभी इसको सबसे अहमियत वाला काम ये है कि इसके अंदर हमारे को पूरा तोड़ के उसको वहाँ से लेके यहाँ तक तोड़ के नया हमको पूरा कलवट बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम लोग आज से इसका काम शुरू कर रहे हैं और तकरीबन ये काम बड़ा काम है,
इसके थोड़ा टाइम जाएगा, तो तकरीबन इसके अंदर एक महीने से 25 दिन का टाइम जाएगा, क्योंकि इसको पूरा कलवर्ट को तोड़ना है और रिपीट नया कलवर्ट बना के लेना है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या बंदोबस्त किया जाएगा ताकि कोई भी गाड़ी, आने जाने वाले लोग, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है, काफी अंधेरा यहाँ पर रहता है। स्ट्रीट लाइट तो देखिए आप यहाँ से देखिए, जरा भाई बताना, ये देखिए सामने स्ट्रीट लाइट इधर रखी हुई है, स्ट्रीट लाइट है और वो चालू भी रहती है, लेकिन इंशाल्लाह ये बड़ा रोड है और हमारे पास दूसरा सर्विस रोड का ऑप्शन है, तो इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से हमको ये रोड बंद करना पड़ेगा। दूसरा इस्लामुद्दीन भाई ऑप्शन नहीं है, एक ही पास ऑप्शन है हमारे पास कि जो हमारा का दूसरा सर्विस रोड है, हमको तुरंत उसको स्टार्ट करना पड़ेगा और ये रास्ता हमको बंद करना पड़ेगा। एक हमारे पास ये सर्विस रोड है, तो जिनको यहाँ पर आना है यानी रशीद कंपाउंड जाना है, रशीद कंपाउंड परिसर में, तो वो ये सर्विस रोड से इस तरफ चले जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास रोड के उस तरफ भी एक सर्विस रोड है, उसको अभी हम चालू कर लेंगे इंशाल्लाह, और जो देवरीपाला परिसर में लोग जाएंगे वो मास होटल की तरफ से जा सकते हैं।